इस आधुनिक युग में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत में शोषित वंचित पिछड़े समाज और महिलाओं का मुक्तिदाता मसीहा बनकर भारत राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान दिया है। लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनके द्वारा शुरू किए आंदोलन की मशाल किसने जारी रखी? डॉक्टर अंबेडकर के बाद उनकी विरासत को किसने आगे बढ़ाया? कितने ऐसे नेता हुए जिन्होंने अंबेडकरवादी विचारधारा के जरिए बाबा साहब अंबेडकर के राजनीतिक और सामाजिक लक्ष्य को पूरा किया? ऐसे अनेक सवाल है जो आम भारतीय सोचते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंबेडकरवादी नेता कौन है? संपूर्ण विश्लेषण जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान सामाजिक राजनीतिक सुधारक थे जिन्हें भारत के आधुनिक निर्माताओं में से एक माना जाता है। वे ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें सभी को समान राजनीतिक अवसर प्राप्त हो, धर्म, जाति, रंग तथा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उनका मानना था कि जब तक आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी तब तक जनतंत्र की स्थापना अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकेगी। बाबा साहब का मानना था कि समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था। उन्होंने भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता को जड़ से मिटाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयास किसी भी दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था को अवैज्ञानिक बताते हुए इसकी आलोचना की और उनका मानना था कि कमजोर वर्गों में जितना उग्र संघर्ष भारत में है वैसा विश्व के किसी अन्य देशों में नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमेशा स्त्री पुरुष समानता का व्यापक समर्थन किया। उनका मानना था कि स्त्रियों के सम्मान पूर्वक तथा स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने भारत के साथ संपूर्ण विश्व को अपने विचारों का एक नया फॉर्मूला दिया, शिक्षित बने, संगठित बने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। इस अंबेडकर साहब के फॉर्मूले को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि आज का वीडियो इसी फॉर्मूले पर आधारित है। शिक्षित बने, संगठित बने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर। डॉक्टर अंबेडकर के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा बहुजन नेता कौन? अगर हम इसकी डिटेल में खोज करें तो पता चलता है कि भारत में कई सारे दलित नेता हुए हैं, लेकिन अंबेडकरवादी नेता बहुत कम हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में बहुजन समाज के अधिकारों के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। अंबेडकर ने 1930 में डिप्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना की और 1935 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन 30 सितंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को खारिज करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की। 6 दिसंबर 1956 को पार्टी के गठन से पहले उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके अनुयायियों ने 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया और एन शिवराजन को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 1957 में पार्टी के 9 सदस्य दूसरी लोकसभा के लिए चुने गए। राज्यसभा में 2 और राज्य विधानसभाओं के लिए 20 उम्मीदवार चुनकर आए थे। ये डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पार्टी के अन्य नेता जैसे कि एडवोकेट बीसी कांबले, एडवोकेट बाबू हरिदास आवले, बैरिस्टर राजाबाव खोबरागड़े, दादा साहब रूपोते, दादा साहब गायकवाड़, आर डी भंडारे, बुद्धप्रिय मौर्य, आर मुगम, एडवोकेट नीले और बी एस मोरे जैसे नेताओं ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश में मिलजुल कर काम किया, जिसके कारण अंबेडकरवाद की चर्चा देश में होती थी। लेकिन 1 अक्टूबर 1964 को पार्टी के अध्यक्ष एन शिवराजन का निधन हो गया और दादा साहब गायकवाड़ को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, जो सर्वमान्य नेता नहीं थे, और यही से बाबा साहब की संकल्पना का अंत शुरू हुआ। पार्टी में कांबले गुट और भंडारे गुट बना, जिससे पार्टी में फूट का असर यह हुआ कि तीसरे लोकसभा के आम चुनाव में महाराष्ट्र से एक भी सांसद चुनकर नहीं आया। बुद्धप्रिय मौर्य ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए काफी काम किया था। उन्होंने मुस्लिम समाज में रिपब्लिकन पार्टी का काफी जनाधार बढ़ाया था और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा और विधानमंडल में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार चुनकर आए थे, किंतु अपेक्षित सम्मान न मिलने के कारण वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए और आगे चलते रिपब्लिकन पार्टी के अनेक टुकड़े बन गए। खोबरागड़े गुट, गायकवाड़ गुट, कुंभारे गुट, भंडारे गुट, कामले गुट, गवई गुट,
आंवले गुट, मोरे गुट, रूपवते गुट, कवाड़े गुट, अठौले गुट, 2020 तक कुल 40 से ज्यादा गुटों में बाबा साहब अम्बेडकर का सपना बिखर गया। जैसा कि मैंने कहा, भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कई सारे दलित नेता हुए, लेकिन 1980 तक भारतीय राजनीति में अम्बेडकरवादी नेता को लोग ढूंढते रहे पर कोई मिला नहीं। मेरा मानना है कि इन तमाम नेताओं ने अम्बेडकर साहब का दिया हुआ फॉर्मूला शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करे इस नारे को ठीक से समझ ही नहीं पाए। ये नेता शिक्षित तो थे लेकिन संगठन मजबूत करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, और सबसे अहम बात यह है कि समाज के अधिकार के बजाय अपने ही घर में संघर्ष करते रहे। संघर्ष इतना किया कि 2020 तक 40 से ज्यादा गुटों में बाबा साहब अम्बेडकर का सपना बिखर गया। डॉक्टर अम्बेडकर के बाद कोई नेता उनकी बराबरी नहीं कर सका क्योंकि उन सभी में अपना अहंकार और विवाद था। कांग्रेस में भी कई दलित नेता हुए हैं, लेकिन फर्क इतना है कि वे दलित नेता थे लेकिन अम्बेडकरवादी विचारों के नेता नहीं थे, इसीलिए समाज परिवर्तन करने में पूर्णतः असफल रहे। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ दलित नेता बाबू जगजीवन राम, जो भारत के उप प्रधानमंत्री तक नहीं बन सके, 30 वर्षों तक कई मंत्रालयों से केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन भारत में वे शोषित वंचित बहुजन समाज के प्रतिनिधि के तौर पर अपनी पहचान बनाने में पूर्णतः असफल रहे क्योंकि वे शिक्षित तो थे पर बहुजन समाज के आंदोलन को संगठित करने के लिए कोई संगठन नहीं बनाई और उनके हक के लिए किसी प्रकार का आंदोलन भी नहीं किया। भारत में दूसरे अम्बेडकरवादी नेता का जन्म तो हुआ था और वे इन सारी गतिविधियों को ध्यान से देख रहे थे, बस अब सही मौके की जरूरत थी। थोड़ा वेट कीजिए, एक और पहले भी जानते हैं। भारत में अक्सर दलित और मुस्लिमों को ऐसे संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया जाता है जहां उन्हें कोई अधिकार नहीं होता, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल। भारत के दो राष्ट्रपति KR नारायणन और रामनाथ कोविंद, जो मूलतः दलित है लेकिन अम्बेडकरवादी नहीं, उन्होंने बहुजन समाज के लिए कोई संगठनात्मक या आंदोलनात्मक काम नहीं किया है, इसीलिए अब तक सवाल बरकरार है कि आखिर वो कौन है जो बाबा साहब की विरासत को और सपनों को हकीकत में बदल दिया हो। दलितों को कैबिनेट में एडजस्ट कर लिया जाता था, इसी एडजस्टमेंट की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सबसे ऊपर पहुंचने के लिए सत्ता का ताला खोलना बहुत जरूरी होता है, और ताला खोलने के लिए चाबी चाहिए। उस ताले की मास्टर की दलितों के हाथों में साहब काशीराम ने थमाई। इससे पहले ये था कि सत्ताधारी दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के वोट पाकर सत्ता में पहुंचते थे, मगर डॉक्टर अम्बेडकर के बाद ऐसा कोई दलित नेता इतना ऊपर नहीं चढ़ पाया। सत्ता प्राप्ति के लिए बाबू जगजीवन राम जब आखिरी दांव चल रहे थे, तब एक अम्बेडकरवादी सरकारी साइंटिस्ट की नौकरी छोड़कर कभी साइकिल तो कभी बस से सफर करके एक मूवमेंट खड़ा कर रहा था और उसका नाम काशीराम था। वह जानता था कि अम्बेडकर का ज्ञान और जगजीवन राम की निष्ठा से दलितों का पूर्णतः भला नहीं हुआ है। वो कहता था कि दलितों को राजनीति में अपनी अहमियत जतानी है तो मुस्लिमों और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ जुड़ना चाहिए। सिखों के साथ कुछ सालों से धोखा हो रहा है, मुसलमानों के साथ 40 साल से और दलितों के साथ हजारों साल से। अगर यह सभी एक जगह इकट्ठा हो जाए तो हम जुल्मी राज से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वो महापुरुष कहता था कि जातियां हमने नहीं बनाई बल्कि हम पर लाद दी गई है। हम तो इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं क्योंकि हम जाति व्यवस्था के शिकार है। हमारा उद्देश्य समाज को जातियों में बांटना नहीं बल्कि उन्हें एक करना होना चाहिए। सत्ता हासिल करने के लिए 85% का नया फॉर्मूला इसी महापुरुष ने दिया है। 85% दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक अगर एक हो जाए और अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ते रहे तो उनके रास्तों में 3 रुकावटें आएंगी, मनी, मीडिया और माफिया। अगर आप इन 3 रुकावटों से बचते बचते अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते गए तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के पितृपुर गांव में उनका जन्म हुआ। कांसीराम जी को 1958 में पुणे स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बतौर रिसर्च असिस्टेंट की सरकारी नौकरी मिल गई थी। यही पर वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लेखन के संपर्क में आए। कांसीराम जी ने 1964 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन की और कुछ ही सालों में उनके समझ में आ गया कि RPI चुनाव में हिस्सा तो लेती है मगर दलित, पिछड़े, शोषित और अल्पसंख्यक लोगों को साथ लाने के लिए प्रयास नहीं करती। सत्ता को पावर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोई योजना भी नहीं है। महाराष्ट्र में दलित आंदोलन अम्बेडकर के चलते मजबूत तो था लेकिन सारे के सारे नेता बटे हुए थे। इन सब को देखकर साहब काशीराम ने अपनी योजना बनाई और उसके लिए सबसे पहले अपने घर को एक खुला पत्र लिखा, मैं कभी घर नहीं आऊंगा, गरीबों और दलितों का घर ही मेरा घर होगा, सभी रिश्तेदारों से मुक्त रहूंगा, किसी की शादी, जन्मदिन, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होऊंगा, कोई नौकरी नहीं करूंगा, जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं हो जाता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा।
साहब काशीराम ने इन प्रतिज्ञाओं का संपूर्ण जीवन पालन किया, यहाँ तक कि वे अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए। फिर कांशीराम साहब ने पूरे देश में घूमना शुरू किया, अलग अलग तबके के लोगों से मिले और उनकी दिक्कतें समझी। 6 दिसंबर 1971 को DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, अम्बेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल 1973 को ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी बामसेप संगठन का गठन किया और 1984 को बहुजन समाज पार्टी के गठन के साथ काशीराम जी चुनावी राजनीति में उतरे। साहब काशीराम का मानना था कि पहला चुनाव हारने के लिए होता है, दूसरा चुनाव हरवाने के लिए और फिर तीसरे चुनाव से जीत मिलनी शुरू हो जाती है। उनका अनुमान बिल्कुल सही था, इसीलिए पहले चुनाव में इंदिरा लहर के दौरान BSP का खाता नहीं खुला, मगर हिम्मत और हौसले का खाता खुल गया। आखिर 1989 के चुनाव में बिजनौर सीट से BSP का खाता खुला और मायावती लोकसभा पहुंची। उन दिनों गलियों में अक्सर एक नारा लगता था, बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेगा पूरा। इसी नारे के साथ BSP का मूवमेंट लगातार मजबूत होता गया और इस अम्बेडकरवादी नायक ने बहुजन समाज के हाथ में सत्ता की चाबियां थमाई, इसीलिए मायावती जी 4 उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी। साहब कांशीराम अपनी किताब चमचा युग में चमचा शब्द की व्याख्या करते हुए उन्हें एजेंट या कठपुतलिया कहते हैं। उन्होंने इस किताब में चमचों के प्रकार भी बताए हैं। 1956 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मृत्यु के बाद चमचों की पीढ़ियां इस हद तक बढ़ गई कि ऐसे लोग न केवल राजनीतिक दायरे में पाए जाने लगे बल्कि मानवीय जीवन के सभी क्षेत्रों और विभिन्न रिश्तों में भी इनकी उपलब्धि दिखाई देने लगी। फर्जीवी व्यक्ति हमेशा अपने फायदे या अपने समुदाय के फायदों के लिए चमचा या कठपुतली का इस्तेमाल करते हैं। यह चीज उस कठपुतली के समुदाय के हितों के लिए हमेशा नुकसानदायक होती है। भारत में दलितों के इतिहास का वर्णन करते हुए साहब काशीराम लिखते हैं, दुनिया के किसी समुदाय ने ऐसे उत्पीड़न का सामना नहीं किया जैसे भारत के अच्युतों ने किया है। यहाँ तक कि गुलामों, निग्रो और यहूदियों की भी कोई तुलना भारत के अच्युतों से नहीं की जा सकती। साहब काशीराम कहते हैं, कभी किसी व्यक्ति के पीछे भागना नहीं चाहिए बल्कि विचारधारा का अनुसरण करना चाहिए। व्यक्ति भाग सकता है लेकिन विचारधारा नहीं। जिनको जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी सारी उम्र दलाली में निकल जाती है। साहब काशीराम कहते हैं, मुर्दा लोग मिशन में भाग नहीं लेते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। जगाया उसे जाता है जो जिंदा होता है, क्योंकि मुर्दों को हमेशा जलाया या दफनाया जाता है। साहब काशीराम आगे कहते हैं, मतदान का अधिकार हमें बिकने के लिए नहीं बल्कि गुलामी से बाहर निकलने के लिए मिला है। जो कौम शासक नहीं होती उनकी बहन बेटियां कभी सुरक्षित नहीं होती। बाबा साहब ने जो फॉर्मूला दिया था, शिक्षित बने, संगठित बने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें, इसे साहब काशीराम ने बखूबी निभाया। वे स्वयं साइंस में डिग्री होल्डर थे, उन्होंने अनेक संगठनाएं बनाई और सबसे अहम बात यह है कि उन संगठनाओं को बढ़ाया और आज भी वह संगठनाएं कार्यरत है। साहब काशीराम की पार्टी को कई नेता छोड़कर गए पर उन्होंने समाज के लिए संघर्ष जारी रखा, इसीलिए समाज ने साहब काशीराम का साथ दिया। बहुजन समाज के इस महानायक का देहांत 9 अक्टूबर 2006 को दिल्ली में हुआ। साहब काशीराम अपने मृत्यु के बाद विचारों की विरासत और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को हासिल करने का जुनून हमें थमा गए। अब सवाल तो बनता है कि अम्बेडकरवादी विचारधारा को साहब काशीराम के बाद आगे कौन बढ़ाएगा। जाहिर है उसके लिए शिक्षित बनना, संगठनाओं को आधुनिकता से जोड़कर समाज के हर पहलू के समीप जाकर उसी जुनून से संघर्ष के लिए तैयार रहना। तो कौन होगा अगला अम्बेडकरवादी नेता, आप वीडियो को स्किप करके जरा सोचिए। कांशीराम साहब ने BSP का गठन 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन किया था। भारत के अगले अंबेडकरवादी नेता ने अपने पार्टी का गठन 15 मार्च को कांशीराम जयंती के अवसर पर किया है और उसका नाम चंद्रशेखर आजाद रावन है। इस युवा के भविष्य के संदर्भ में मेरी राय 2016 में ही बन गई थी, अब तो इस पर टाइम्स मैगजीन ने मुहर भी लगा दी है। 17 फरवरी 2021 को दुनिया के सबसे विश्वसनीय अमेरिकी टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 100 उभरते नेताओं की सूची जारी की है और उसमें केवल एक भारतीय को शामिल किया गया है जिसका नाम यूथ आइकॉन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावन है। टाइम्स ने इस सूची के संदर्भ में लिखा है कि हमने अपनी दूसरी वार्षिक टाइम 100 सूची इकट्ठा की है जिसमें 100 उभरते नेता है जो भविष्य को आकार दे रहे हैं। ये विश्व लीडर अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि कोरोना महामारी, गहरी असमानता, प्रणालीगत अन्याय, लोकतंत्र और सत्य की लड़ाई। तो चलिए अब देखते हैं टाइम्स मैगजीन ने चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या लिखा है। टाइम मैगजीन के
बिली पेरिगो लिखते हैं, चंद्रशेखर रावण भारत के सबसे उत्पीड़ित जाति समूह के सदस्य हैं। भीम आर्मी ने जो आंदोलन चलाया है वह शिक्षा के माध्यम से दलितों को गरीबी से बचने में मदद करने के लिए स्कूल चलाता है। वह जाति आधारित हिंसा के शिकार लोगों को बचाने के लिए जोर शोर से मोटर बाइक पर गाँव में जाकर भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शनों का आयोजन करता है और पीड़ित को न्याय दिलाता है। सितम्बर 2020 में जब उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस ने 19 वर्षीय बच्ची के घातक सामूहिक बलात्कार की जांच में देरी की तो आजाद और भीम आर्मी द्वारा कथित रूप से न्याय के लिए अभियान चलाया गया, जिससे बाद में अंततः बलात्कारियों की गिरफ्तारी हुई। चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया के उपयोग के माध्यम से करिश्माई दृष्टिकोण की अभावी पैदा की है। चंद्रशेखर आजाद की स्टाइल स्टेटमेंट जैसे कि शानदार मूछें, कपड़ों की विशिष्ट शैली और हाथ में पकड़ा हुआ संविधान युवाओं में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। तो चलिए इस अगले अंबेडकरवादी नेता की मिलजुल कर साथ देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।